छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में पंडरी जगार मेला में शिरकत करने पहुंचे, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मेले में सभी एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीज़ें हैं। आपको बता दें कि इस मेले का आयोजन सर्दियों में किया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उस समय इसको टाल दिया गया था। वहीं ईडी के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि 3 दिन से कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय को ईडी ने सील कर दिया था, जो कि लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं है। ये तानाशाही है, हम इसका पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। जगार मेले में घुमा, बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, बहुत सुंदर बना है। आर्टिस्ट लोग सब अपने अपने जो उत्पाद है उसको ले कर आए हैं, खादी और उसके भी हैंडलूम से जुड़े हुए, और उसमें जो गोदना आर्ट है वो बहुत बढ़िया और कोंडा गांव का तो बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही जो लघु अनुपस्थित जो उत्पाद है वो भी यहाँ है। तो जगार में ज़बरदस्त भीड़ है और डिमांड हो रही है कि उसे 5 दिन और बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना काल के कारण से जो ठंड में लगती थी अब इस समय गर्मी में लगाया गया है। तो फिर भी शाम के समय लोगों की भीड़ तो आप देख रहे हैं, खूब भीड़ है।